खबर चंपावत जनपद से, जहां पुलिस ने विगत वर्ष 2022 में चलाए गए ऑपरेशन क्रैक डाउन में मिली सफलता के आंकड़े जारी किए। बीते वर्ष 2022 में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जनपद चंपावत में कुल 1 किलो 320 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,31,63,000 रुपए आंकी जा रही है। इसी के साथ वर्ष भर में करीबन 40 किलो चरस बरामद की गई, साथ ही 24 से ज्यादा तस्करों को जेल भेजा गया है। वहीं साइबर ठगों के खिलाफ चलाए गए अभियान में भी चंपावत पुलिस ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ठगी का शिकार हुए लोगों के लगभग 48 लाख रुपए साइबर ठगों से बरामद किए, साथ ही 30 साइबर ठगों की गिरफ्तारी भी की गई। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष पूर्वे प्रदेश में सबसे ज्यादा चरस की बरामदगी चंपावत जनपद पुलिस ने की है, साथ ही साथ जनपद में लगभग 980 नाली भूमि पर उगाई गई और अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया। हमने नेपाल बॉर्डर पर होने वाली अवैध गतिविधियों तस्करी को रोकने के लिए एक QRT टीम का गठन किया है, जिसने एक माह में ही लगभग 4,50,000 से ज्यादा की अवैध राशि को सीमा पर पकड़ा है। कुल मिलाकर वर्ष 2022 में चंपावत पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की है, साथ ही कई युवाओं को नशे की दलदल में जाने से बचाते हुए बड़ी संख्या में नशा तस्करों को जेल भेजा गया है। यह ऑपरेशन आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। वर्षों में जो चंपावत पुलिस है उसने जो नारकोटिक्स के ऊपर है वो काफी अच्छा काम करते हुए जो स्मैक जो पकड़े हैं वो पिछले सालों का कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1 किलो 300 ग्राम से अधिक स्मैक पकड़े, साथ ही चरस पकड़ने में भी नंबर वन पे ही कह सकते हैं, लगभग 40 KG के अराउंड पिछले साल में चरस पकड़ी। इस तरह नशे के ऊपर काफी हमने काम किया है, इसके अलावा भांग की खेती भी नष्ट की है। साथ साथ में हमने जो लोग नशे में जो बच्चे शुरू में इन्वॉल्व हो रहे थे उनको हमने नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भी भेजा है, तो इस तरह से नशे के ऊपर काफी काम किया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी प्रायोरिटी अगर मैं देखूं तो साइबर क्राइम हमारी प्रायोरिटी रही थी, तो लोगों को हमने पैसे वापस दिलवाए वो लगभग 3 गुना से अधिक हमने वृद्धि की है। जैसे कि 2021 में लगभग 13 लाख के आसपास हमने लोगों को पैसे वापस दिलाए, जबकि इस बार हमने लगभग 48 लाख रुपए जो है लोगों के हमने वापस दिलवाए, साथ ही 20 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया अलग अलग जगह से, उनको इवन बिहार और बंगाल और हरियाणा अलग अलग जगह हमने टीमें भेजी थी। इस तरह साइबर क्राइम और नारकोटिक्स के ऊपर हमारा काफी अच्छा इसमें काम रहा। साथ साथ में एक नया इनिशिएटिव हमने इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो तस्करी और जो दूसरे अवैध धंधे होते हैं उनके रोकथाम के लिए हमने QRT लगाई थी, उसने भी लगभग 4.5 लाख से अधिक की धनराशि जब्त की है।